सो गाइस बहुत ही प्यारा लोकेशन इन पहाड़ों के बीच में। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप गाइस आप सब स्वस्थ होंगे, अपन भी एकदम मस्त है। सो चलिए गाइस, एक और दिन एक और व्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। खूबसूरत तो क्या, बारिश आने वाली है गाइस, जैसा लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ शादी में, शादी है यहीं थोड़ा पास में, वहाँ पे लड़की की शादी। तो बोलते हो कि जहाँ परसों गए थे वहीं पे, उससे थोड़ा सा पहले शादी, जहाँ पे शादी परसों थी जापा, तो वहाँ पे इस जापा ही बोलते हैं। मैं क्या पता, तुम तो नहीं बोली हो। पापा चले गए थे दिन में, मम्मी गई थोड़ी देर पहले। युवा चल रहा है कीर्तन, भजन कीर्तन, महिला संगीत। तो मम्मी बहुत पहले चली गई थी, मुझे बोलता सुबह आ जाएगी। मैं चला गया राफ्टिंग। और भाई जी लगे हो काम पे। और यह गाइस सामने शादी वाला घर, मेरे को जाना है यहाँ पे। तो परसों शादी थी यहाँ पे एक दिन पहले, और आज यहाँ पे शादी। चलते जल्दी से, बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट होगी भाई, बड़ी बड़ी। जो ये शादी है, वैसे बारात आती है दिन में, पर बारात आएगी कल रात में। तो आज है मेहंदी, हल्दी होगी कल सुबह। और गाइस सबसे ज़्यादा शादियाँ होती है हमारे गांव में, क्योंकि हमारे गांव में भाई 120-130 परिवार है, हर साल 10-15 शादियाँ होती होती है। और कुछ ऐसे नज़ारा और श्याम का। और गाइस यहाँ लगे टेंट, तो घर के जस्ट पास में घर रहा वो सामने। अभी आ गए हम टेंट की ओर, ये सारा सामान ढका हुआ बारिश से भीगने के लिए। जाएंगे हम टॉप हाइट पे, जहाँ से पूरा ये कैंप कैप्चर होने वाला है ऊपर से। तो ये गाइज यहाँ से दिख रहा है नज़ारा। हम जा रहे हैं स्नो टाइगर के ऊपर टॉप में, यहाँ से कैप्चर करेंगे। वाह। सो गाइज बहुत ही प्यारा लोकेशन इन पहाड़ों के बीच में, ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। गाइज इस प्यारे से लोकेशन के पास में यहाँ पर स्नो टाइगर रिजॉर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा बना रखा है। अगर आपको कभी आना हो तो मेरे को आप कमेंट्स में कर देना, फिर मेरा नंबर लेना, मैं आपको यहाँ का डायरेक्ट कांटेक्ट दे दूँगा, या आप स्नो टाइगर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ये रिजॉर्ट है एकदम पहाड़ों के बीच में। अब जा रहे हैं हम शादी वाले घर पर, सीधे चलते हैं मिलने दुल्हन को। नमस्ते नमस्ते, बधाई हो। नमस्ते नमस्ते। अच्छा मैंने बोला तुम्हें बोलने हैं। गाइस अंदर लग रही है मेहंदी, फिर बाद में होगा फोटो सेशन, वहाँ पर हम फोटो क्लिक करवाएंगे, जब मेहंदी पूरी लग जाएगी। सुबह अंधेरा भी होने वाला है। मेरे साथ में मुन्ना, मुन्ना आईफोन से वीडियो बना रहे थे। तो पूरा डेकोरेशन हो चुका है मेहंदी के लिए, फोटो सेशन के लिए। जमुने थे फोटो खींचल में। और गाइस अभी लग चुका है इधर खाना, तो मैं तो ले लिया था खाना, मुन्ना भी उधर खड़ा है। हाँ मुन्ना आ गया। नाचना
को फिर से आग में गर्म करते हुए और ढोलाले यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:05 और हम लोग जा रहे हैं अब घर। बहुत मजे के हमने पहले मंडार में नाचा, उसके बाद डीजे में बहुत देर, बट मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया डीजे में क्योंकि मुझे मिलता कॉपीराइट गानों पे, तो इसलिए मैं ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। हमारा घर का रास्ता यहाँ से 5 मिनट और गाइज अब पहुंच चुके हैं घर। तो करते हैं गाइज इस वाले ब्लॉग को एंड। आई होप आपने आज वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा, हमने बहुत इंजॉय किया। तो मिलते गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट ब्लॉग होगा पार्ट 2 शादी का। मिलते गए, बाय बाय।